आज का दिन है परिणाम का। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर नतीजों का दिन है आज। 7 केंद्रों पर 98 टेबल्स पर 141 राउंड में वोटों की गिनती होनी है। 8 बजे सबसे पहले गिने जाएंगे पोस्टल बैलेट के वोट्स और उसके बाद 8:30 बजे के लगभग ईवीएम से जो मत डाले गए उनकी गिनती होगी। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। 8 बजे से जैसे ही गिनती शुरू होगी उसके बाद तमाम 7 की 7 उपचुनाव की जो सीटें हैं वहां पर हमारे सभी सहयोगी तैनात हैं जो 7 सीटों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो झुंझुनू सलुम्बर विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती 22-22 राउंड्स में होनी है। रामगढ़ की गिनती 21 राउंड में होनी है। देवली उनियारा और खीवसर की गिनती 20-20 राउंड में कंप्लीट हो जाएगी। दौसा 84 के मतों की गिनती 18-18 राउंड्स में पूरी होगी। तो लगभग 20 राउंड का जो ओवरऑल काउंटिंग का सेशन चलेगा और उसके बाद आप देखिए लगभग 10:30 बजे तस्वीर क्लियर आपके सामने क्लियर शुरू हो जाएगी होनी कि आखिर रुझानों में कौन जीत रहा है। और एक आपको बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि आज के जो चुनाव के परिणाम हैं वो वाकई राजस्थान के मूड को बताने वाले परिणाम हैं। ये राजस्थान के मात्र उपचुनाव नहीं मानो मिनी जनरल इलेक्शंस हो। 7 सीटें अलग अलग दिशाओं से 7 सीटें जहां पर उपचुनाव हुए थे 13 तारीख को और आज 23 तारीख को नतीजों का दिन है। 7 केंद्रों पर 98 टेबल्स के माध्यम से टोटल 141 राउंड होंगे और 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट के वोट्स गिने जाएंगे और उसके बाद शुरू होगी ईवीएम से डाले गए मतों की गिनती। तो आज का दिन बेहद अहम, आज का दिन परिणामों का दिन और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे हर एक विधानसभा सीट से। और हमारे सहयोगी भूपेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं टोंक विधानसभा क्षेत्र की जानकारी देने के लिए। भूपेंद्र, बस कुछ ही पलों का इंतजार और 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, किस तरीके का माहौल है? जाहिर तौर पर जो मुख्य तौर पर सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हुए वहां तो आज लोग इंतजार कर रहे हैं परिणामों का और दिल में डर भी लोगों के होगा, लेकिन फिर भी क्या तैयारियां देखी जा सकती हैं? जी एक बार फिर से भूपेंद्र आपका रुख करेंगे, आवाज आपकी ठीक से नहीं आई है, लेकिन हाँ, दौसा 84, सलुम्बर, खीवसर, देवली उनियारा, कोई ऐसी सीट नहीं जिसका अपडेट आप तक नहीं पहुंचेगा। हर एक सीट का हर एक अपडेट 8 बजे से आपको मिलना शुरू हो जाएगा और अब भी हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड्स पर पहुंच रहे हैं क्योंकि तैयारियां तो कल ही कर ली गई थी और अब जो है वो त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच में ईवीएम्स को रखा गया है और 8 बजे का जो समय है वो गिनती का शुरू होगा। हमारे सहयोगी भूपेंद्र जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, देवली उनियारा की बात करें, इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या खास तैयारी आज की गिनती वाले दिन को लेकर? भूपेंद्र बताइए क्या तैयारियां हैं देवली उनियारा में आज के दिन के लिए? हेलो जी, जी बताना चाहूंगा नंदिनी की इलेक्शन कमीशन की ओर से तैयारियां पूरी है। जिला कलेक्टर ने लगातार 3 बार दौरे करके ये साबित कर दिया है कि किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है इस बार मोबाइल पे बैन रहेगा, किसी भी अधिकारी कर्मचारी को मोबाइल ले जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। और दूसरी बात है कि पुलिस की ओर से भी कड़ी व्यवस्था की गई है। 3 घेरों में पुलिस का जाप्ता मौजूद रहेगा, साथ ही सीआरपीएफ और आरएसजी के जवान तैनात रहेंगे और जो मतगणना केंद्र है उसके आसपास किसी भी व्यक्ति को आने नहीं दिया जाएगा क्योंकि जो बवाल हुआ उसके बाद पुलिस और प्रशासन बिल्कुल सतर्क है और उनकी तैयारी पूरी कंप्लीट है। जी, आप बने रहिए भूपेंद्र हमारे साथ। हमारे सहयोगी विष्णु आशीर्वाद जुड़ चुके हैं दौसा का अपडेट देने के लिए। विष्णु, जैसा कि लगातार दौसा की सीट को लेकर भी पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है, अभी फिलहाल 8 बजने में 2 घंटे का समय है, लेकिन उससे पहले क्या तैयारियां मतगणना को लेकर? देखो, पूरे प्रदेश में 7 विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतों की गणना होनी है और इसके लिए पूरा जो पुलिस जाब्ता तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, ईवीएम के तीर
लहरी जो सुरक्षा की गई है, वह जो मुख्य द्वार है पीजी कॉलेज पे हमारे यहाँ, जहाँ पर राजस्थान पुलिस का पहरा है, उसके बाद में जहाँ पीजी ब्लॉक के जहाँ पर बाहरी जो एरिया है उस पर अर्थसैनिक बलों की टुकड़ी है जापता रहेगा, उसके बाद अंदर जो बीएसएफ जहाँ ईवीएम रखी है वहाँ बीएसएफ का कड़ा पहरा है। इस तरह से जो त्रिस्तरीय जो सुरक्षा एजेंसियां है उन घेरे के अंदर ईवीएम तो रखा है, और अब देखो 6 बजे बज गए हैं और 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक जो मतदान के बाद भी मतगणना होती है उसमें जो कार्मिक लगे हैं उन सबकी एंट्री शुरू हो गई है, और 6 बजे से 7:30 बजे तक इनकी एंट्री दी जाएगी, और 8 बजे से ईवीएम की और इनकी मतगणना होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना 8 बजे शुरू हो जाएगी, उनके लिए 4 जो टेबल लगाई गई है, और बाकी ईवीएम के लिए फिर 8 बजे बाद जब 8:30 से 9 के बीच में जबकि पोस्टल बैलेट की मतगणना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल भूपेंद्र विष्णु, आप दोनों से जानना चाहूंगी क्योंकि अपडेट्स देने के लिए मीडिया ही सबसे बेहतर माध्यम होता है लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो ऐसे में जो जब गिनती शुरू होगी तो पल पल का अपडेट आप जनता तक पहुंचाएंगे, इसके लिए क्या खास विंडो वहां पर डेस्क लगाई गई है कि मीडिया कर्मियों को भी परेशानी ना हो और जो प्रत्याशी हैं उनके जो समर्थक होंगे वहां पर प्रत्याशी होंगे जो पूरी मतगणना को देखेंगे, इसके लिए क्या खास इंतजाम वहां पर किए गए हैं क्योंकि बहुत ट्रांसपेरेंट ये पूरा प्रोसीजर होता है? देखो मीडिया के लिए अलग से कमरा दिया गया है, वहां पर LED लगाई गई है और वाईफाई की सुविधा रहेगी, साथ ही जहाँ पीजी ब्लॉक के जो 13 रूम नंबर है उसमें मतगणना होगी, और हर उस मतगणना में बोर्ड लगाया गया है जहाँ पर हर राउंड की जानकारी वहां दी जाएगी ताकि मीडिया को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, और मीडिया आम जनता तक मतदाताओं तक सीधा जो अपडेट है उसी से भेजी जा सके, इसके लिए उन्होंने बोर्ड लगाया गया है, और प्रत्येक राउंड की जानकारी किसके किस प्रदेश को कितने कितने वोट मिले हैं वो सब जानकारी दी जाएगी, इसलिए प्रशासन ने मौसुल व्यवस्था की हुई है। साथ ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और भाजपा प्रत्याशी हैं उनके कार्यालय में भी LED बड़ी स्क्रीन लगाई गई है ताकि वहाँ भी जो जो प्रत्याशी के जो समर्थक हैं प्रत्याशी हैं वो और जो पार्टी के लोग हैं वहाँ जो अपडेट हैं बिल्कुल देख सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। LEDs के माध्यम से अपडेट जो है पहुँचाया जाएगा, बस कुछ ही क्षणों का इंतजार, और तमाम जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं वो बस टकटकी लगाए बैठे हैं ये देखने के लिए कि जैसे ही वोट की गिनती शुरू होगी उसके बाद जैसे जैसे पता चलेगा, सभी लोग जो बहुत उत्सुक हैं आज के रिजल्ट को लेकर, बहुत ज़्यादा नर्वस भी होंगे कई प्रत्याशी, तो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये उपचुनाव इस बार का रहा है। भूपेंद्र, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? देवली उनियारा को लेकर अगर मैं जानकारी आपसे लूँ तो इंतजाम तो देखिए सभी 7 विधानसभा सीटों पर बेहतरीन किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन वही कि जब EVM में गिनती शुरू हो और जैसे जैसे अपडेट्स आए LEDs के माध्यम से वहां पर भी बताया जाएगा, क्या जानकारी? जी जी नंदनी, बताना चाहूंगा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी ओर से मीडिया सेंटर का एक रूम बनाया गया है जिसमें मीडिया के लिए जगह दी गई है, साथ ही वहां पर 2 LED भी लगाई गई है ताकि अपडेट जो पब्लिक है उनको दिया जा सके। दूसरी बात है कि हर राउंड के बाद एक अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद अनाउंसमेंट के जरिए जो पब्लिक बाहर खड़ी हुई है या जो समर्थक हैं उनको पास हर राउंड की अपडेट पहुंचती रहे जिससे जो पारदर्शिता है वो बनी रहे, इसके लिए प्रशासन ने माकूल व्यवस्था की गई। चलिए ठीक है, बिल्कुल। विष्णु, अगर दौसा सीट के राजनीतिक समीकरण का जिक्र करें, सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली सीट दौसा सीट रही है। वैसे तो 7 की 7 विधानसभा सीटें जो है चर्चा का विषय रही और हर एक सीट का अपना समीकरण, अपने अपने फैक्टर्स, लेकिन दौसा जहाँ पर दोनों ही महत्वपूर्ण पार्टियों के सीनियर लीडर्स की साख जुड़ी हुई है, एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा वर्सेस मुरारी लाल मीणा नजर आ रहा है, जबकि DC बैरवा वर्सेस जगमोहन मीणा ये इलेक्शन है, लेकिन प्रत्याशी ऐसा लग रहा है कि नाम के हैं, बड़े नेताओं की साख का सवाल। ठीक है, आपने ये 200 विधानसभा वाला की उपचुनाव है, उपचुनाव में इतना माहौल होता नहीं है, लेकिन जिस तरह से कैंडिडेट चुनाव लड़ा है डॉक्टर कुंडीलाल मीणा की, भाई जगमोहन मीणा यहाँ से भाजपा प्रत्याशी है और कांग्रेस से सचिन पायलट के खास और 200 सांसद मुरारी मीणा के विश्वास पात्रों में गिने जाते हैं, जो DC बैरवा टिकट है, इसके लेकर काफी रोचक मुकाबला यहाँ देखने को मिला है और कई तरीके से चुनाव में रंग भी देखने को मिले, गमछा डांस और कई तरह की बातें यहाँ इन चुनाव में देखने को जो नई थी, और उसके अलावा कि ये सीधा मुकाबला जो मुख्यमंत्री का मतलब क्षेत्र भी आता है, पूरे राजस्थान से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आते हैं और 200 ही उन पूरे राजस्थान में आता है, ऐसे में
और यह सचिन पायलट की क्रम स्थिर रही है और दूसरा सांसद मुरलीलाल मीणा जो चुनाव इस तरह से लड़ा था कि खुद ही कैंडिडेट हो, यानी कुछ का इस तरह से पूरा माहौल जन्मा रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी भी कुछ हो सकता है और इसको देखकर जो आज जो मतगणना होगी उसके बाद में परिणाम भी चौंकाने वाले भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ का जो मतदाता है जो सामान्य सीट थी उसमें सामान्य जो प्रत्याशी को दरकिनार करके एसटी को टिकट मिला है, भाजपा ने एसटी को दिया तो कांग्रेस ने एसटी को दिया है, ऐसे में जो साइलेंट पोलिंग हुई है उससे मतदान का परिणाम कौन से प्रत्याशी को किस वर्ग ने प्राथमिकता के साथ वोट दिए हैं ये अभी तक भी छुपा हुआ है और जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चल पाएगा। मुख्य तौर पर हम दौसा सीट की अगर बात करें और मुख्य तौर पर देखिए दौसा सीट पर तो जातिगत समीकरण जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, तो देखते हैं क्या होगा इस सीट का परिणाम। हमारे सहयोगी किशन जुड़ चुके हैं 84 सीट को लेकर जानकारी देने के लिए। किशन, सभी सीटों पर तैयारियां गिनती के दिन के लिए कर ली गई हैं, त्रिस्तरीय 3 level of protection ईवीएम का और साथ साथ अब ईवीएम के जब ईवीएम मशीन्स खुलेंगी और उनमें जो मत डले वो जब सबके सामने होंगे उस पल में अब सिर्फ 2 घंटे ही बचे हैं, ऐसे में किस तरह की हलचल 84 विधानसभा सीट को लेकर नजर आ रही है? देखिए नंदिनी, 84 विधानसभा उपचुनाव केंद्र में जब मतगणना का जो दौर है वो 2 घंटे बाद केंद्र में शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरी रात नेताओं ने इस बात की चिंता के साथ केंद्र में इस रात को निकाला है कि आज की रात भविष्य की रात होगी, आज की रात कहीं ना कहीं उनके जीत हार की रात होगी, तो उसी टकटकी के साथ केंद्र में पूरी रात निकली है। लेकिन उपचुनाव के अंदर अगर बात करते हैं नंदिनी, तो 84 अपने आप के अंदर में एक बड़ा ट्राइबल क्षेत्र है और यहाँ पर जो सभी उम्मीदवार हैं वो सारे आदिवासी और यहाँ पर जो निर्णायक वोट है वो जनरल वोट है, तो ऐसी स्थिति के अंदर में जो निर्णायक वोट है वो तय करेंगे कि आखिरकार किस उम्मीदवार को उन्होंने है वो अपने जीत का जो मतदान है वो उसको दिया है। लेकिन खास बात मैं आपको बात बता दूं नंदिनी कि यहाँ पर सांसद राजकुमार रोत का गढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर है, कहीं ना कहीं कमबैक होना चाहती है, तो कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बीच के अंदर में मुकाबला है। लेकिन सियासी पंडितों की अगर मानते नंदिनी तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अगर जीतती है तो कहीं ना कहीं बहुत कम मार्जिन होगा और बाप पार्टी भी अगर जीतती है तो बहुत कम मार्जिन होगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर में यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के अंदर में 84 सीट भी बेहद कॉम्पिटेटिव सीट रहने वाली है, यानी कंपटीशन तगड़ा इस सीट पर भी रहेगा, यही बात आप कह रहे हैं। और देखिए क्योंकि बीजेपी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, बेशक 84 सीट पर बीजेपी का राजकुमार रोत का वर्चस्व लगातार देखने को मिला, लेकिन बीजेपी ने सारे गणित यहां पर लगा लिए कि किसी तरह इस ट्राइबल सीट को जहां पर आदिवासी बाहुली ये सीट है इस सीट को अपनी तरफ कर पाए, तो बीजेपी की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी किशन अगर इस सीट को बीजेपी जीत पाती है तो। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो जितने प्रयास करने पड़ते थे वो प्रयास किए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इस बार वहाँ की जो स्थानीय जनता थी जब सच में दड़क न्यूज टीम की वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी तब ये आंकलन सामने आ गया था, क्योंकि पहले अगर आपने देखा होगा कि राजकुमार रोत है वो 70,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार खुद जो भारत आदिवासी पार्टी के जो पदाधिकारी है वो खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अब इस बार का जो मार्जिन होगा बहुत कम होगा, यानी कहीं ना कहीं जो भारत आदिवासी पार्टी है उसके बीच के अंदर में खलबली जरूर बची हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री सहित तमाम पदाधिकारी है वो यहाँ पर चुनाव के अंदर में प्रचार प्रसार किया और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस बार का ये जो चुनाव नतीजा है वो कहीं ना कहीं उनके फेवर के अंदर में इस बात की चर्चा है वो पूरे प्रदेश स्तर तक है। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल किशन, अब 84 सीट की बात हो गई, देवली उनियारा सीट की बात हो गई, दौसा सीट की बात हो गई, हर एक सीट के राजनीतिक समीकरण बिल्कुल डिफरेंट। और आप देखिए झुंझुनू विधानसभा सीट की बात करें, एक तरफ बीजेपी से राजेंद्र भांबू तो वहीं कांग्रेस पार्टी से ओला परिवार का वर्चस्व कायम रखने के लिए ओला परिवार के ही व्यक्ति को टिकट मिला, बृजेंद्र ओला जी के बेटे को टिकट दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए सलुम्बर सीट की बात करें, शांता देवी मीणा अमृतलाल मीणा की पत्नी है, बीजेपी से टिकट उन्हें मिला और रेशमा मीणा को कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया गया। 84 सीट जिसकी बात हम कर रहे थे और 84 सीट से भी
कोशिश की गई है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तो आदिवासी चेहरों को प्राथमिकता दी गई। आप देखिए देवली उनियारा सीट जहां पर थप्पड़ कांड फेमस हुआ, राजेंद्र गुर्जर वर्सेस केसी मीणा वर्सेस नरेश मीणा। सलुम्बर सीट जहां पर बीजेपी का वर्चस्व लगातार देखने को मिला है, शांता देवी मीणा क्या उस वर्चस्व को मेंटेन कर पाएंगी। 84 सीट झुंझुनू सीट राजेंद्र भांबू अमित ओला राजेंद्र गुड़ा। अब त्रिकोणीय ये मुकाबला रहेगा या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहेगा।